नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर आ रही है 18 अगस्त को, और दोस्तों इस फिल्म का मैं इसलिए इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए इस फिल्म के बारे में ज्यादा मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि इसके ट्रेलर ने मुझको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई हुई है कि आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको मतलब अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है। एक लूजर अभिषेक बच्चन खुद एक कोच के किरदार में लूजर है, उनका भी क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाए थे, शराब के नशे में अपने आप को डुबो लेते हैं। किस प्रकार से सियामी खेल जिनका दायां हाथ जिससे वो क्रिकेट खेलती है और नेशनल क्रिकेट टीम में चयन हो जाता है और वो हाथ टूटने के कारण बाहर हो जाती है, उसको किस प्रकार से वापस आत्महत्या करने वाली थी, उसको किस प्रकार से वापस मोटिवेट करते हैं अभिषेक बच्चन और वापस बाएं हाथ से मतलब गेंदबाजी सिखाते हैं। बड़ी ही मोटिवेशनल एक इमोशनल मूवी है, ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सियामी खेर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है और अभिषेक बच्चन की भी लाजवाब अदाकारी है। तो फिल्म 18 अगस्त को आ रही है, मेलबर्न में कल इसका प्रीमियर हुआ था और दोस्तों वहाँ से भी कुछ रिव्यूज है जिन्होंने फिल्म की काफ़ी तारीफ की है, लेकिन फुल रिव्यू नहीं आएगा वहाँ से, तब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कुछ उसके बारे में। एक रिव्यू है एक फिल्म क्रिटिक है सेंसर बोर्ड के सदस्य उमेश संधू, जो अमूमन सभी फिल्मों के रिव्यूज देते रहते हैं, हालांकि उनके रिव्यू को ज़्यादा कोई सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि कई बार वे बहुत अच्छी फिल्म को बहुत ही बुरी बता देते हैं और बहुत बुरी फिल्म की बहुत तारीफें कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी हो, उन्होंने घूमर देख ली है और घूमर का उनका रिव्यू आ गया है और उन्होंने रिव्यू दिया है घूमर को कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, जबकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2023 में अब तक जितनी भी फिल्में आई है उनमें सबसे बेहतरीन मूवी है ये, सबसे अच्छी मूवी होने वाली है ये। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल अवार्ड ये फिल्म जीत सकती है, नेशनल अवार्ड इस फिल्म को मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने सियामी खेर की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़बरदस्त बताया, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस होता है, अभिषेक बच्चन के लिए भी अच्छा लिखा उन्होंने। तो कुल मिलाकर के दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है, ये फर्स्ट रिव्यू आया है जो मैंने आपको बताया है। सो दोस्तों सब कुछ अच्छा है लेकिन घूम फिर करके प्रॉब्लम एक ही जगह आके अटकती है और वो दोस्तों वो है कि 18 अगस्त गदर की सुनामी चल रही है इस समय, बवंडर है गदर का, बवंडर है सुनामी कह लीजिए आप, टोर्नेडो कह लीजिए। OMG 2 भी अच्छा कर रही है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, उधर साउथ में जेलर है, तो ऐसी स्थिति में कितने स्क्रीन ले पाएगी अभिषेक बच्चन की फिल्म, ये देखने वाली बात होगी। इसको एक वीडियो बनाया है, शायद आज आपको मिलेगा सुनने के लिए, आज या हो सकता है कल आपको मिले, लेकिन एक वीडियो बनाया इसके ऊपर। और फिर दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्क्रीन नहीं मिलेंगे तो फिर कलेक्शन नहीं आएगा, तो मेरे को रिलीज डेट पे शुरू से लग रहा है कि इन्होंने इस समय इस फिल्म को क्यों रिलीज किया, रोकी और रानी के एक हफ्ते बाद में रिलीज कर देते, आराम से 2 हफ्ते मिल जाते, या जुलाई खाली था जुलाई में कर देते, पता नहीं ये टाइम क्यों चुना। शायद मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर कराने के चक्कर में ये फिल्म का नुकसान नहीं करा ले, मतलब इस समय गदर को छोड़ करके घूमर कौन देखने जाएगा, ये थोड़ी सी दोस्तों सोचने वाली बात है। कहीं एक अच्छी फिल्म गलत रिलीज डेट के कारण बॉक्स ऑफिस पर मतलब फ्लॉप ना हो जाए, ये मेरी सबसे बड़ी एक चिंता का विषय, क्योंकि अभिषेक बच्चन 4 वर्षों के बाद में 2019 में उनकी मन मर्जी आई थी, उसके बाद में वापस बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, बस यही एक चिंता मुझे लग रही है। बाकी फिल्म जबरदस्त होने वाली है ये मुझे कोई इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता, आप बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं घूमर के बारे में, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बुल्ला।